हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ उषा सैनी। और दोस्तों, ये देखिए, आज गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और बड़े बड़े साइज के। कनेर का प्लांट है ये मेरा। वैसे तो इस पे एक दो फूल खिलते रहते हैं, लेकिन आज इस पे बहुत ज़्यादा भर के फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, फूलों को देख के मन कर ही जाता है वीडियो बनाने का अपने पेड़ पौधों का। और मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और छोटा ही गमला है, ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है। गमले में ये देखिए काफ़ी बड़ा ये हो रखा है प्लांट, और बड़े बड़े साइज के फूल हैं कनेर के। इसकी केयर पे मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, कैसे इसकी केयर करती हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा अपने पेड़ पौधों पर कोई ज़्यादा खाद नहीं डालती, किचन वेस्ट का इस्तेमाल ही करती हूँ ज़्यादातर। अपने किचन से जो निकलने वाला कचरा होता है उसी को मैं मिट्टी में दबा देती हूँ किसी पुराने गमले में, और फिर वही मिट्टी चेंज कर करके एक दूसरे में थोड़ा बहुत मिलाती रहती हूँ उसी से। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, और पूरे ही गार्डन में आज फूलों का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और जैसे गुड़हल को तो मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ ज़्यादातर अपनी वीडियो में कि कितने गुड़हल खिलते हैं। और ये देखिए आज मेरा एक प्लांट कितना भरा हुआ है, एक क्या सारे ही प्लांट भरे हुए हैं। ये देखिए कितने गुड़हल इस पर एक साथ खिले हुए हैं। और दोस्तों, रोज़ इतने फूलों को देखकर मन खुश हो जाता है। गमले में ही, ज़मीन में तो बहुत खिलते हैं, पेड़ पे कोई भी किसी भी पेड़ पे जो फूल होते हैं ज़मीन में ज़्यादा खिलते हैं, लेकिन गमले में भी इतनी संख्या में फूल खिले हुए हैं। और ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये एक मेरी बोगनविला है, कलम से लगाई हुई, इस पर अब फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और ये मेरी जो बोगनविला है बड़ी वाली, जो पुरानी है सबसे, इनकी मैं कलम तैयार करती रहती हूँ। जब कटिंग होती है तो उसी से ही काफ़ी कटिंग चल जाती है, 3-4 लगाती हूँ तो एक दो चली जाती है। और ये देखिए अभी ये भरनी शुरू हो गई है। बरसात के बाद थोड़े से पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। आज है तो धूप थोड़ी सी तेज़ी, लेकिन मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा धूप में ही आई हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं आज गार्डन में। ये सफ़ेद वाली बोगनविलिया है, और ये देखिए काफ़ी ये सदाबहार है। सदाबहार को आप एक बार अगर लगा लेंगे तो फिर आपको गार्डन में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सदाबहार एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उगाता है और हमेशा इतनी सुंदरता बढ़ाता रहता है अपने गार्डन की। पेड़ पौधों के बीच में ये लगे होते हैं और किसी भी पेड़ के साथ ये उगाते हैं। मेरे पेड़ में गमलों में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं प्लांट हो जाते हैं, तो जो फूल वाले प्लांट हैं मैं निकालती नहीं, चली जाते हैं। ये देखिए हर तीसरे गमले में दूसरे पेड़ के साथ सदाबहार नज़र आएगा आपको। और ये बोगनविला है, ये है तो येलो कलर की, लेकिन इस पे फूल पिंक और येलो दो मिक्स कलर के आते हैं। ये पुरानी होने के बाद तो येलो कलर के हैं उस पे जो पुरानी वाली है, और जो नई ये कलम तैयार होती है इनमें थोड़ा इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं दोस्तों। और एक सुंदर सा फूल खिला हुआ है, ये देखिए गुड़हल का, कलम की लगाए हुए प्लांट पर। ये गुड़हल का तैयार मैंने किया था, पहले भी दिखाया था अपनी वीडियो में। और जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद कितनी सुंदरता बढ़ जाती है अपने पेड़ पौधों में। और ये देखिए नींबू के प्लांट पे भी अब थोड़े थोड़े से फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और ये इसमें ये जो है कॉक्सकॉम्ब प्लांट उगे हुए हैं, अभी मैं इनको अलग करूँगी, किसी दूसरे गमले में लगाऊँगी। एक ही गमले में ये देखिए कितने सारे प्लांट हो रखे हैं, और फूलों को देख कर निकालने का मन नहीं होता अलग अलग करने का। और चलते चलते ये देखिए गुड़हल भी दिखा देती हूँ। गुड़हल मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा गुड़हल के प्लांट हैं, और मैं इसलिए रखती हूँ कि छत पे इनमें मुझे कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं ज़्यादातर गुड़हल और बोगनविलिया रखती हूँ, हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियो में। और सुंदरता देखिए कितनी, एक ही प्लांट पर 60-60, 70-70 फूल रोज़ खिले होते हैं। तो फिर कई बार मैं सोचती हूँ रोज़ ही क्या दिखाऊँ गुड़हल के, लेकिन जब इतने सुंदर फूल खिले होते हैं दोस्तों तो फिर मेरे को होता है चलो आज फिर वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए बड़े साइज के फूल होते हैं, कितने बड़े साइज का फूल है ये, और खूब कलियाँ रोज़ निकालती हूँ मैं। वो कलियाँ निकाल के नीमी मिट्टी में गमलों में मिला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, खाद बन जाती है। और यही खाद मेरे पेड़ पौधों को मिलती है दोस्तों। और ये देखिए
ये मेरी गुलाबी कलर की वो बोगनवेलिया है।